हाँ तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो कॉइन्स के बारे में जिन्होंने अभी तक अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली ग्रोथ नहीं दिखाई है, यानी कि अभी वो अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है और उनके अभी ग्रो होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने हमारी पिछली चीट सीट की परफॉर्मेंस तो देख ही ली होगी। चीट सीट के अंदर जितने भी हमने कॉइन्स दिए थे वो कभी कभी मेरे ख्याल लगभग कुछ कॉइन्स तो 100%, 200%, 400% तक का प्रॉफिट भी दे चुके हैं और शायद ही 3-4 कॉइन रह गए हैं जिन्होंने अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो मैं अपनी इस शीट को रिफाइन करना चाहूँगा और इनफैक्ट उसमें कुछ कॉइन्स ऐसे डालना चाहूँगा जो कि अब आपको ईजी कर देंगे दोबारा से सिलेक्शन करने को, बिकॉज काफ़ी लोग कहते हैं सर अभी भी हम एंट्री नहीं ले पाए। तो प्लीज़ हमारे को बताइए कि कौन से कॉइन के अंदर हम एंट्री ले, कहाँ पर हम एंट्री ले, ताकि हम एक अच्छा प्रॉफिट दोबारा से बुक कर पाए। तो मैं आपको जो आज कैटेगरी दे रहा हूँ उसको मैंने डिवाइड कर दिया है तीन पार्ट के अंदर, तीन कैटेगरीज के अंदर इन सब पॉइंट्स को, जिनमें से पहली कैटेगरी है सुपर सॉलिड प्रोजेक्ट्स की, जो कि बहुत ही सॉलिड प्रोजेक्ट्स है जिनका ग्रो होना फॉर श्योर आप कह सकते हो 100 में से 90, 95, 98% उनका ग्रो होना आने वाले वक्त के अंदर करीबन श्योर है। एक मैंने डिवाइड करी है कैटेगरी टू सतोशीज कॉइन की, वो कॉइन जो कि दो सतोशी के हैं जो कि बहुत अच्छी रैली दिखाते हैं जब भी मार्केट के अंदर टू सतोशीज कॉइन बढ़ते हैं। और आपको बता दूं आज के दिन आप लोगों ने CDT को बढ़ते हुए देखा होगा, लगभग 70-80% हो गया है CDT कॉइन और ऐसे ही लगातार रोज टू सतोशीज में से एक ना एक कॉइन बढ़ता जा रहा है। तो वैसे एक सेट हमने कैटेगरी का बनाया। थर्ड कैटेगरी जो बनाई है वो प्रोजेक्ट्स है जो कि काफ़ी सॉलिड है लेकिन स्टिल दे आर थोड़ा सा हम कह सकते हैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड साइड के ऊपर जाते हैं, लेकिन यस अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो उनकी रैली भी एक ही दिन के अंदर 200-300% की भी होती है। अब करना क्या है वो आपको डिसाइड करना है, या तो आपको इनमें से एक कैटेगरी को चूज करना है, या आपको इन सब के अंदर अपना इक्वली अमाउंट को पैसे को लगाना है, या इनमें से किसी के ऊपर भी पैसा नहीं लगाना है। दैट इज़ ऑल अप टू यू किस स्ट्रेटजी को आप चूज करते हो। सीधे चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, इन 15 कॉइन को थोड़ा सा जान लेंगे, इनका ऑल टाइम हाई क्या ये परफॉर्म करते हैं, कैसा इनका प्रीवियस सीजन रहा है उसके बारे में जान लेंगे। उसके बाद आप चॉइस करिए आपको किसके ऊपर अपने पैसे को लगाना है या नहीं लगाना है। चलेंगे सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, बट आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है लाइक करो, अपना कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी ओपिनियन जो है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालो। मैं इसमें इस 15 लिस्ट में से सबसे बेस्ट चाहता हूँ ये वाला कॉइन आगे बढ़ सकता है, तो आपका क्या ओपिनियन है उसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं शॉर्ट के अंदर कौन से है ये प्रोजेक्ट्स। हाँ तो फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट करे सीधा चलते हैं हमारे ओल्ड कॉइन की लिस्ट के ऊपर। बट येस, कॉन्ग्रेट्स टू ऑल, BTC हमारा उसी रेंज बाउंड में चल रहा है जो कि हम चाह रहे थे काफी टाइम से, और BTC साइडवेज काफी हद तक मूव कर रहा है, थोड़ा सा येस ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है $48,000 के जोन को, लेकिन स्टिल वी आर गोइंग वेरी स्ट्रांग। तो पहली कैटेगरी जो कि मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को वो है सुपर स्ट्रांग कॉइन्स की जिन्होंने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है। उनमें से पहला कॉइन अगर हमारी लिस्ट के अंदर मैं बात करूंगा उसका नाम है XLM यानी कि स्टेलर जो कि चल रहा है 715 सतोशी पे। अगर हम बात करें पिछले सीजन का इसका ऑल टाइम हाई था 1616, यानी कि अगर मैं बात करूँ अगर यहाँ तक भी पहुँच जाता है तो मेरे लिए मेरा फंड 2.5x कर सकता है XLM एंड वन ऑफ द टॉप प्रोजेक्ट्स है। कोई भी न्यूज़ कोई भी इनका इवेंट अगर आ जाता है इस दौरान तो बहुत अच्छा प्रॉफिट XLM से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकंड क्वाइन जो कि मेरा लिस्ट के अंदर है वो आप लोगों में से काफ़ियों का फेवरेट होगा और बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया इसने हमारे को, वो है WRX। आज नहीं तो कल ये अपने ऑल टाइम हाई जो कि $5-6 का है उसके आसपास या उसको ज़रूर ब्रेक करेगा। पिछले सीजन की अगर हम बात करें तो 11,500 सतोशी गया था, इस वक्त 3,000 सतोशी के आसपास चल रहा है। दैट इज़ 4 times लेस, यानी कि ₹1-4 में कन्वर्ट हो सकता है अगर WRX वही परफॉर्मेंस एक बार और इस सीजन में दिखा दे। अगर ना भी दिखाए और पहुंच जाए 6,000 तक तो भी हम 2x तक पहुंच सकते हैं। WRX के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीदें मैं लगा रहा हूं आने वाले इस सीजन के अंदर, बिकॉज कोई भी एक न्यूज़ इस कॉइन को बहुत ज़्यादा पुश दे सकती है। थर्ड कॉइन जो कि मैं डालना चाहूँगा अपनी लिस्ट के अंदर सुपर सॉलिड सेक्शन के अंदर कैटेगरी के अंदर, वो है वन इंच जिसका ऑल टाइम हाई गया 13,340 सतोशी पिछले सीजन के अंदर, अभी चल रहा है लगभग 6,600 सतोशी का। इसके अंदर आपको 10-20-40% की रैली तो बहुत बार देखने को मिलेगी, लेकिन यस जब भी कोई इवेंट या कोई बड़ी न्यूज़ इसके ऊपर आती है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये अपने ऑल टाइम हाई के पास ज़रूर पहुँच सकता है। फोर्थ कॉइन जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है बेक कॉइन, जो कि काफ़ी टाइम से साइलेंट बैठा हुआ है और लगभग चल रहा है $2.5 का। इसका ऑल टाइम हाई था शायद लगभग ज़्यादा मेरे को याद है 11 से लेके $12 तक का, तो अगर ये उधर तक पहुँच जाता है अगेन आई एम एबल टू मेक 4x। और बेक अगेन बहुत ही सुपर सॉलिड प्रोजेक्ट है,
तो यहाँ पे भी आप काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिफ्थ कॉइन जो कि लास्ट कॉइन है हमारी फर्स्ट कैटेगरी का यानी कि सुपर सॉलिड प्रोजेक्ट्स में, उसमें से एक है, उसका नाम है डिया कॉइन, DIA, जिसका ऑल टाइम हाई था $5.5-$6 के आसपास का, 4,400 सतोशी के करीब चल रहा है और अभी तक इसने काफ़ी टाइम से शांति बनाई हुई है और बढ़ नहीं रहा। 11,000 सतोशी के आसपास गया था पिछले सीजन के अंदर ऑल टाइम हाई, यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ पे भी 2.5x बनाने की अपॉर्चुनिटी है इस कॉइन के अंदर। प्रोजेक्ट भी सुपर सॉलिड है और 400 नंबर पर रैंक करता है लगभग, तो मैं कह सकता हूँ टॉप 100 में देखने को मिल जाएगा। तो यस, हमारे सारे इसके टारगेट्स या ऑल टाइम हाई भी ये तोड़ देगा। अब आ जाते हैं हम 2 सतोशी कॉइन के अंदर, वो कॉइन जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्पीड के ऊपर प्रॉफिट बनाया जाता है और अपने ऑल टाइम हाई अगर हम बात करें उनमें से एक कॉइन है जिसका नाम है रीफ, जिसको मैं एंट्री आपको 40 के ऊपर भी दे चुका हूँ, 45 पे भी दे चुका हूँ, अभी चल रहा है 50 सतोशी, बीच में लगा था लगभग 55 सतोशी के आसपास भी, ऑल टाइम हाई जो गया था वो था 9900 सतोशी का। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 2x के आसपास नहीं तो 70-80% का प्रॉफिट तो रीफ हमारे को दे ही सकता है, इन वन सिंगल डे रैली आ सकती है कभी भी। अगला कॉइन इस लिस्ट के अंदर जिसकी मैं बात करना चाहूँगा उसका नाम है एक्रो, जो कि है 70 सतोशी का, और अगर पिछले सीजन की बात करूँ तो वो है 157 इसका ऑल टाइम हाई, इनफैक्ट 330 मारा था इसने अपना ऑल टाइम हाई, अगर वहाँ तक पहुँच जाता है चांसेस है 5x से भी ज़्यादा पैसा करने के। अगला कॉइन जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो है XVG, जिसने पिछले सीजन में बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया, इस वक्त बहुत अच्छी आप कह सकते हो नीचे हमारे को डिप के ऊपर मिल रहा है और पिछले सीजन में 150 गया था, यानी कि यहाँ से दोबारा 3x करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है XVG के अंदर जब 2 सतोशी कॉइन की रैली आएगी। जस्ट लाइक अगर हम बात करें आज की, तो एक्स अभी रैली लगी थी शायद CDD के अंदर, जहाँ तक मेरे को याद है, यस CDD जो था 87 के करीब गया, तो यहाँ पे अगर हम ऐसे ही 2-3 और प्रोजेक्ट देखें तो लगातार बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रैली अप कर सकते हैं जो कि 2 सतोशी कॉइन है। तो फोर्थ कॉइन हमारा उस लिस्ट के अंदर आएगा, उसका नाम है सेलर, जो कि अभी अभी आप कह सकते हो 2 सतोशी से बाहर हुआ है और अभी 194 सतोशी का ऑल टाइम हाई था, अगर हम बात करें यहाँ तक भी पहुँच जाए तो 2x की अपॉर्चुनिटी है और सुपर सॉलिड प्रोजेक्ट है सेलर और काफ़ी अच्छी उम्मीद रखता हूँ मैं सेलर के साथ भी। अगला कॉइन जो कि शायद सुपर सॉलिड नहीं होगा और थोड़ा सा रिस्की भी होगा, लेकिन यस इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेव्स देखने को मिलती है और अभी रिसेंट में मिली थी 25 सतोशी से सीधा 88 यानी कि 3.5x और अभी फिलहाल चल रहा है 48, तो अगर अपना 88 के तक भी पहुँचता है तो हम 2x की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, जो कि थोड़ा सा हम कह सकते हैं हाई रिस्क हाई प्रॉफिट की तरफ जाती है, लेकिन ये स्टिल द प्रोजेक्ट्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमारे को दे सकते हैं, यानी दोबारा ये भी सब अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है। विडिट की बात करें तो 1138 1138 एंड सुपर अमेजिंग साइडवेज मूवमेंट कर रहा है बहुत ज़्यादा टाइम से और ऑल टाइम हाई जो गया था वो था 3200, यानी कि 1x का, 1 रुपी का, 1 डॉलर का हम 3 रुपी बना सकते हैं अपने ऑल टाइम हाई को अगर ये छू जाता है दोबारा से, तो काफ़ी अच्छी उम्मीदें मैं विडिट के साथ भी लगा रहा हूँ। अगला कॉइन ये वन ऑफ दोज कॉइन है जो कि वैसे ही परफॉर्म करता है जैसे परफॉर्म करता है LRC और मैं इसको हमेशा नज़र में रखता हूँ, इसका नाम है AST यानी कि एयर स्वैप, जो कि चल रहा है 455 सतोशी का और 1340 सतोशी ऑल टाइम हाई था, यानी कि अपॉर्चुनिटी टू मेक अगेन 3x ऑन AST और जब भी ये रैली देगा मैं मानता हूँ आप देख रहे होंगे यहाँ से 335 से सीधा रैली लगाई थी लगभग 600 की, यानी कि 2x, तो 2x की रैली थी आम दिखाता है, बहुत बार दिखाता है, एक ठीक ठाक एंट्री मिल रही है, बहुत डिप में तो नहीं मिल रही मैं कहूँगा, अगर आप डिप में वेट करना चाहो तो आप कर सकते हो इस चीज़ के ऊपर, लेकिन यस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज नहीं तो कल ये अच्छी रैली जरूर दिखा सकता है। थर्ड कॉइन इस लिस्ट के अंदर उसका नाम है HBAR 524 सतोशी चल रहा है, अमेजिंग साइडवेज मूवमेंट चल रही है, बहुत टाइम से एक्यूमुलेशन हो रही है और अगर हम बात करें ऑल टाइम हाई शायद 836 ही है, यानी कि आप कह सकते हो अपॉर्चुनिटी है 70% प्रॉफिट बनाने का अगर ऑल टाइम हाई ही छूता है, लेकिन हु नोस क्या अपना ऑल टाइम हाई ही इस बार ये तोड़ दे और अच्छा प्रॉफिट दे जाए, बट 50% 100% बनाने के लिए 70% बनाने के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है HBAR एंड सुपर सॉलिड प्रोजेक्ट भी है। अगला प्रोजेक्ट जिसने पिछले सीजन में गजब का प्रॉफिट दिया था, सबको हैरान कर दिया था, बिकॉज हमने इसकी एंट्री ली थी आप कह सकते हो 54-58 को भाव पे, आप देख सकते हो यहाँ पे 1900-2500 सतोशी चल रहा था, 28,000 सतोशी यानी कि सीधा 12x, $1 को $12 में करा था RLC ने और अब वो बिल्कुल शांत बैठा है, साइडवेज मूवमेंट ले रहा है इतने ज़बरदस्त टाइम से और अवेलेबल है 9,800 के ऊपर। यस ये यहाँ से 6,000 सतोशी भी गया था, वहाँ पे आ भी सकता है, अगर आप वेट करना चाहो कर सकते हो।
लेकिन ये यहाँ से दोबारा से रैली देने लायक कॉइन है, जो कि 200 से 300% की रैली भी हो सकती है RLC के अंदर। फिफ्थ एंड फाइनल प्रोजेक्ट ऑफ अवर वीडियो दैट इज आर्क, आर जो कि चल रहा है 2770। अगेन अमेजिंग साइडवेज मूवमेंट, कोई ज़बरदस्त मूवमेंट मूव नहीं आए हैं, और यहाँ पे भी आप अगर 10-20-50% बनाना चाहो तो फॉर श्योर बन सकते हैं। 2x अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो बनाए जा सकते हैं, बिकॉज काफ़ी बार 6300 तक की रैली लगी है। अब इन कॉइन्स के अंदर आप लोग सबको मैं बता देना चाहता हूँ, अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाओ, अपने टारगेट्स खुद बनाओ। आप इन सब कॉइन के अंदर पैसा लगाना चाहते हो तो आपकी चॉइस, आप सिर्फ 2 सतोशी में लगाना चाहते हो तो आपकी चॉइस, अगर आप सुपर सॉलिड प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना चाहते हो तो आपकी चॉइस, और अगर आप लोग चाहते हो कि इसके अंदर अच्छा बेनिफिट प्रॉफिट लेना है तो आई विल एडवाइस कि छोटी छोटी एंट्रीज लेना स्टार्ट कर सकते हो, और जब जब रैलीज आए आपकी कह सकते हैं भूख के अकॉर्डिंग यू कैन टेक 10% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट और व्हाटएवर प्रॉफिट यू लाइक। तो अपना टारगेट जो है खुद सेट करिए इन सब कॉइन्स के ऊपर। हो सकता है इनमें से कुछ कॉइन 200% चला जाए, कुछ हो सकता है उससे कम चले जाए, कुछ उससे ज़्यादा चले जाए। तो आप लोगों को कहूँगा अपना पैसा घर ले आइए और प्रॉफिट को राइड करिए, दैट इज़ द बेस्ट वे एंड बेस्ट तरीका जिससे आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो फ्रेंड आज के लिए भाई इतना ही, इस वीडियो के अंदर इतना ही। इस वीडियो को ढेर सारे लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। आज के लिए भाई इतना ही, टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव फन।